सह जी क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना हुए जेकर साहिब मन हो ना विसरे ता सहला मरना हुए मरना ते जगत डरे जीव्या लोड़े सब कोई गुर प्रसादी जीवत मरे हुक्मै बूझै सोए नानक ऐसी मरनी जो मरे तां सद जीवन होए बदबख्त हम चूं बखील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयत जान तुरा तेरे चाकरां पाखाक साहिब सतगुरु दीन दुनी दे मालिक राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राजक रिहा कुन रहीम अमा बख्श बख्शन दे ओ दस्तगीर खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर के शहनशाह खूबी देहो रहनमू के बेगुनो बेचूनो चू बेनमू साहिब सतगुरु नासर ओ मंसूर इज़द ई मंजूर हक रा गंजूर जुमला फैज़े नूर हक हक आगाह शाहे शहनशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी अंदर अज दे ए दीवाना दी हाजरी भर रहे हो जिन जिन्हां दीवाना नूं आपां सिख रहत मर्यादा अनुसार अंतम अरदास दा दीवान आखदे हां। ए घटना सिर्फ दिसदे हुए पसारे किसी बेगाने नाल नहीं वापरनी। अज जे इथे असी कठे होयां वी आर नॉट हेयर जस्ट टू प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल कि एक विछड़ी आत्मा दी अरदास लई नहीं बल्कि ए एहसास करन वस्ते आए हाँ मरण लिखाए मंडल मह आए असी भी जाना है सबना सौरे वंजना सब मुक लावन हार इथे कोई भी रहन वाला नहीं है शेख हयाती बाबा शेख फरीद जी कहंदे हयाती कहंदे ए संसार शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा कोई रहन वाला नहीं है जी। बहुत भिज के भाई साहब जी आप संगतां नूं अमृतमई बाणी दा कीर्तन सरवण करा रहे सी जिथे भाई साहब जी ने प्रकरण छड़िया पहला शब्द कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार सलोक महला पहला आसा की वार ते दूसरा शब्द भी तन तन साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी का सुहिला बाणी विच्चों संबत साहा लिखिया मिलकर पावो इस तो अगली लड़ी आपां तोरिए क्योंकि ये दोनों शब्द सतगुरु जी की प्रीत ते प्रतीत देने आओ जी जिन्ने क गुरदरबार च बैठे हो असी विछड़ी आत्मा सत्कारयोग सरदार दर्शन सिंह जी की अंतम अरदास लई जिथे बैठे हाँ उथे आपां सारियां दी अरदास करिए देहो सज्जन आसीसड़ियां ज्यों होवै जपो जी ज्यों होवै साहिब स्यों मेल मेल होए असीस बख्शो जिन्ने क गुरदरबार च बैठे हो जिन्हां समां दास की झोली पिया आप संगतां की सेवा गुरु शब्द बाणी दे विच मरना की है मौत की है इहदे परथाए विचार कर सकीए कोई भी रसना विरवी ना रहे
लाओ हाजरी सतगुर सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणा च गज वज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्रश्न मन दे विच ए खड़ा हुंदा है कूड़ क्यों, जे ए संसार सतगुर सच्चे पातशाह ने बनाया आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ। जपो जी अगे दुई कुदरत साजी है, जपो दुई कुदरत साजी है। दुई का मतलब की है कि वी हैव टू एक्सेप्ट द ड्यूएलिटी ऑफ दिस नेचर। ड्यूएलिटी की है दुई। अज असी खुशी लई तैयार हाँ, अज असी जीवन लई तैयार हाँ, अज असी दिन लई तैयार हाँ, पर सच तो यह है असी दुख लई तैयार नहीं हाँ। सच तो यह है असी निवाण लई तैयार नहीं हाँ। सच तो यह उस रात हनेरी रात लई तैयार नहीं हाँ, और सच यह है असी मौत लई तैयार नहीं हाँ। बाणी की सिखाती है, बाणी तो यह सिखाती है पहला मरण। जपो जी पहला मरण, होर गज के जपो जी पहला मरण कबूल। जीवन की छड़े आस हों सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। सतगुरु जी की बाणी यह कहती है जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। सिर तर तली पहला मरण कबूल। अज खुशी वास्ते तैयार हाँ, अज चाओ खेड़े दिन दियां कामयाबियां नफे वास्ते तैयार हाँ, पर हार लई कोई तैयार नहीं, दुख लई कोई तैयार नहीं, मौत लई असी बिल्कुल तैयार नहीं। पहला शब्द कूड़ क्यों, कूड़ राजा, राजा कूड़ क्यों, ये तो प्रभु का बनाया होया ना कि दुई कुदरत साजिए। जे दुख है तो एक दिन सुख भी है, पर याद रखियो जे सुख है तो फिर दुख भी आउणगे। जे जीवन है दुई कुदरत ड्यूएलिटी, जे जीवन है एक दिन मौत भी है, जे दिन है एक दिन रात भी है, जे इस दुनिया के सारे खेड़े ने ते एक दिन संताप भी है। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करै पसाओ। केड़ा पसाओ वो असी समझिया नहीं कठे ते देखो सैकड़े घंटे हो गए होणगे दास ने भी मौत दे उत्ते। मैं लफ्ज़ मौत इसलिए वरत रहा गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च लफ्ज़ मौत आया मरना आया कि पहला मरण कबूल आया कि सब ने मरना है। शब्द केड़ा सी कूड़ क्यों है एदा निखेड़ा दो अखरां दे विच गुरु नानक साहब ने करता। इसलिए कूड़ है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसण हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनण हार। रूपा कहिंदे चांदी नूं कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनण हार। अगे फिर कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप आ जिहड़ा असीं बनाया होया। जपो जी कूड़ काया कूड़ कपड़ काया वास्ते असी बहुत कुछ किया, इस काया वास्ते ही सारी जिंदगी असी बतीत की, पर गुरु नानक साहब कह रहे ये भी कूड़ है। क्यों कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ पहनण हार। कूड़ मियाँ कूड़ बीबी एदा मतलब घर के रिश्ते भी कूड़ ने, पति पत्नी के रिश्ते भी कूड़ ने। क्यों कूड़ ने, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार उन्हां घरां दे विच कलेश है। सतगुरु जी कहिंदे इस कारण दो अखरां दे विच गल निबेड़ दित्ती गुरु नानक साहब ने। यह सारा कुछ कूड़ इसलिए है क्योंकि विसरिया करतार। आ याद रखियो किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबै पूर नानक वखाणा बेनती कूड़ क्यों है। सारे जपो जी तुझ बाज कूड़ो कूड़। जे प्रभु जी तुहाडा चेता नहीं है ते सच्ची सब कुछ कूड़ है। ते दूसरा शब्द उदाहरण व्याह दा, उदाहरण व्याह दा लिया गुरु नानक साहब जी ने ते सच मौत दा दृढ़ करा रहे। संबत साह लिख रहा व्याह दे कार्ड छप गए ने कुड़ी दा व्याह सारिआं नूं दिखा दिता जी फलानी तरीक फलाना महीना फलाना समा फलाना मुहूर्त कढ़ दिता गया सारिआं ने आउणा। गुरु साहब कहिंदे जिवें कुड़ी दा व्याह नीयत कर दिता जांदा ना फलाने साल फलाना महीना फलाना दिन नीयत है इस समय व्याह होना है। गुरु नानक साहब कहते इसी तरह फलाना साल फलाना महीना फलाना दिन दिन का समा नियत है मरण लिखाए मंडल में आए। आ लिखिया गया कहते बिल्कुल संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल। हुण तेल की रस्म की है पुराने पंजाब दे
कल्चर फोकलोर नू देखो जी, बाबा शेख फरीद दे पंजाब जेडे कहिंदे दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे, ये कूड़ो कूड़ है। जे मन दे विच कुछ होर मुख च कुछ होर तुदबाज कूड़ो कूड़। उस पंजाब दे विच अज भी जे कुड़ी दा विआह हुंदा एक रात पहला माइए गाई जांदे ने ते सिर दे विच कुड़ी दे तेल पाया जांदा। जिस वेले कुड़ी दे सिर च तेल पै जाए ना धरती पुठी हो जाए, भावें भावें कल बरात ना टुके पर कुड़ी दा विआह करना ही पएगा, भावें किसी होर नाल कुड़ी तोरनी पए कुड़ी तोरनी ही पड़े पएगी। जिस दिन साडा विआह हो गया, विआह दा मतलब सही इस जगत दे विच आ गए, गुरु नानक साहब कहिंदे साडे सिर च तेल पै गया, हुण भावें धरती पुठी हो जाए सानू इत्थे जाना ही पएगा, सानू तोरना। सब ना सौरै वंजना, वंजना भाव जाना, सब मुकलावन हार सारिया का लिखिया, संबत साह लिखिया, साह कहिंदे आ ओ तरीक ओ डेट ओ महीना ओ समा सब नियत है, मिलकर पावो तेल, तेल पै चुका है जी एक सारिया के सिर के उत्ते। ते एक काम करो अरदास, असी सिर्फ उस विछड़ी आत्मा की अरदास नहीं कट्ठे होए, अपनी अपनी अरदास भी करन आया कि इस शरीरिक मौत तो पहला सतगुरु जी साडा होमे वाला मन मर जाए, इस शरीरिक मौत तो पहला साडा विकारी मन मर जाए, इस शरीरिक मौत तो पहला सतगुरु जी जेड़ा तैनू विसारिया पिया वह वाला मन का अक्स मर जाए, वह वाला बीज नाश हो जाए जिदे विच सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब कहिंदे पढ़ो जी संबत साह लिखिया, मिलकर पावो तेल देहो सजन आसीसणिया ज्यों होवै साहिब स्यो मेल। ते ये सिर्फ दूजियां दे घरां दे विच नहीं, ये साडे घर च भी होना है, घर घर इहो पहुचा कहिंदे आ कार्ड, कहिंदे चिट्ठी सारिया दे घर आउण वाली है। जपो जी घर घर इहो पहुचा, ते की हो रहा सदड़े नित पवन, अज किसी दी वारी कल साडी वारी, असी तैयार नहीं हाँ। सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी है, उस प्रभु नू चेता करिए, नानक से देह आवन। गुरु नानक साहब कहिंदे घबराओ ना, ये दिन तुहाडे ते नहीं आउणा कल्ला, कहिंदे ये दिन मेरे ते भी आएगा जिस दिन मेरा शरीर फना होएगा। नानक से दे आवन वो दिन सभना दा आना है, सारिया दा। बाबा शेख फरीद दा आसा राग दा दूसरा शब्द पढ़ो, राग दी जिहड़ी अंजाम वाली बिरती है जिथे आसा राग मुकता है ना मुकदा है, दो शब्द शेख फरीद दे ने आखरी, पहला आसा राग दा दिलों मुहब्बत जिन, ते दूसरा शब्द बड़े प्यार नाल कह रहे, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। जपो जी बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। एक काम कर दुनिया दे विच आके, रस सोयना रस रूपा कामन रस पर मलकी वास, रस घोड़े सर सेजा मंदर रस मिठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास, सारे रस कट्ठे कर ले। एक नाम दा रस नहीं माणिया, फरीद साहब कहिंदे बोले शेख फरीद प्यारे, जपो जी अल्लाह लगे उस प्रभु नू चेते कर, क्योंकि एह तन होसी खाक, कहिंदे एह तन खाक होण वाला है, निमाणी गोर घरे, कहिंदे जिन्ना कु वड्डा अज असी अपने आप नू बनाई फिरदे आ ना, वी वॉन्ट टू एग्जिबिट वी आर वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट परसनैलिटी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, कहिंदे जो जिन्ना वड्डा अपना कद बनाउंदा है कहिंदा उन्नी डूंगी कबर उदी खोदी जानी है, कहिंदे उन्नी निमाणी उन्ना नीवा वह होएगा। गुरु नानक साहब जी नू चेता करिए, जप बाणी सतगुरु जी साहब कहिंदे वड्डा नाओ रखाई कै जस कीरत, जपो जी वड्डा नाओ रखायक है जस कीरत जगले, पूरे जग दे विच कीर्ति हो जाए। पर एक गल याद रखियो, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के जीवन भी मौत है मरना ते वैसी मौत है, आत्मक मौत जीउंदे जीवी है। जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के ते हाल की होएगा, जपो जी कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, कीड़िया दे अंदर कीड़े देखो किन्ने देखे, असी बड़क बनी वन ऑफ द सटल बैक्टीरिया इन साइड द इनसैक्ट। गुरु नानक साहब उदी भी गल करते हैं, कहिंदे उत्थे तक दी मैं दृष्टि देख रहा जिहड़े अपने आप नू सारी जिंदगी के सारा सब कुछ सतगुरु जी ने दिता, ते एक नाम जिहड़ा विसर गए बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तन होसी खाक निमाणी घोर करे, गोर कहिंदे कबर दे विच दफन दित कीता जाएगा, क्योंकि
कोई भावें साड़े तो कोई भावें दफन करे, शरीर ने आखिर मिट्टी होना है जी। तो तीसरी गल हूँ इस शब्द की समाप्ति इत्थे कीती कि मलकल मौत कहिंदे जिहड़ी मौत का फरिश्ता आ रहा है ना, ये तुक तुसी सरवण कीती भाई साहब जी पासों, केड़ी मौत? गुरु नानक साहब महाराज तिलंग राग, यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। एक गल याद रखियो, दुनिया मुकामे फानी, जपो जी दुनिया मुकामे फानी। आ सारी दुनिया का मुकाम पता की है, सब मिट्टी होवांगे असीं, सब ने फना होना है। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी, इत्थे तहकीकात करन वास्ते अज बैठे हाँ। कल्ले दर्शन सिंह जी दे लई अरदास नहीं, उत्थे ते अरदास है विछड़ी रूह वास्ते, एक अरदास ए भी है कि तहकीक दिल जानी जन पिद पिसर पदर बरादरा, आ जिन्ने रिश्ते ने पिता भरा ये सारे रिश्तेदारे, जन पिसर पदर बिरादरा का स्नेस दस्तंगीर, आखर ब्यफतम कशना दारद चू शब्द तकबीर। याद रखी आज सारी जिंदगी रस सोयना रस रूपा कामण, रस परमल की वास है, सब कुछ दुनियादारी रिश्तेदारी रिश्ते नातियां लई निभाई है, पर इना रिश्तेदारियां ने की करना है? जिस दिन तैनू दफन किया जाएगा, साड़िया जाएगा ना, गुरु नानक साहब कहिंदे हाथ दे विच मुट्ठी भर के मिट्टी लिया के तेरे मुँह ते सुट के जाणगे। कहिंदे ये सच है, क्योंकि ये शब्द उचारिया मक्के मदीने की धरती ते, ते अज भी यही कुछ है जी, अज भी ये कुछ है जिन्हां लई असीं जिंदगी बतीत कर रहे हां। गुरु नानक साहब कहिंदे दुनिया ते सारा जोर लाता, जन पिसर पदर बरादरा खसनेस दस्तंगीर, बांह फड़न वाला कोई नहीं। बांह फड़न वाला कौन है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्हूं चेता करो, कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श रोजी रेहा कुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर। जे अज असी सिखी तो मुनकर हो गए ना, याद रखियो गुरु प्यारे हो, जे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी जे साडा बीज नाश हो गया, फिर गुरु नानक साहब की दरगाह दे विच भी साड़ी पछाण नहीं होनी। अज जे सिखी है घर दे विच, जे माड़ी मोटी बंदगी भी है, ते कबीर साहब ते भाई नंद लाल जी दोनों नूं रला के देख लियो। कबीर साहब का शब्द है, हम कुकर तेरे दरबार भौंका आगे बदन पसार, पूर्व जन्म हम तुमरै सेवक अब तो मिटिया ना जाई, तेरा द्वारा धुन सहज की मत है, मेरा दगाई जेड़ा सिख गुरु नानक साहब दा उहदे मत्थे ते निशान है, दरगाह दे विच जम उहदा वाल भी विंगा नहीं कर सकता। भाई नंद लाल भी यही कहिंदे, कहिंदे भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह मैं तुहाडे दर दा कुत्ता, सगाए ए गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह, हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा, वगरना जो के चुनी आमदन नबूद मरा। जिस दिन मैं प्रभु गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडा चेता विसर जा, मैं उसी दिन मिट्टी दे विच खाक हो जा। यह है आत्मक मौत जे प्रभु विसर जाए। बोला शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, एक बड़ा सोहना जिक्र है उहदे विच जी, चार तुकां ने, चार तुकां ओ सरवण करके फिर मैं खिमा दा जाचक होवांगा, समाप्ति वल तुरांगा। कत्तक कुंजा चेत डाओ, आ समझियो जी बड़ा कमाल दा बचन है, पुराने पंजाब दा, पाक पटन तो लैके दिल्ली हरियाणा हिमाचल सारे ही पंजाब से पहला। कत्तक कुंजा चेत डाओ सावण बिजुलियां, कहिंदे किन्ना क चिर तक रहिंदा है, किन्ना क चिर तक? कत्तक दे महीने च कूंजा पंछी उड़ के आउंदे आ ठंडे इलाके साढ़े पंजाब च हरी के, जिन्हों गुरु पातशाह जी लिखते उड़े उड़ आवै सह कोसा तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मैं। ओ कत्तक दे महीने च कूंजा पंछी उड़ के आउंदे, पर कहिंदे किन्ने चिर तक आउणगे? एक दिन कूंजा ने उडारी मारनी है अपने देश दे वल, असी किन्ना क चिर इत्थे रहना। कत्तक कूंजा चेत डाओ, डाओ कहिंदे अग, चेत दे महीने अग्गां लगदियां ने। पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी दे जिन्ने टीके मिलते हैं, भावें वह प्रोफेसर साहब सिंह का पढ़ लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का पढ़ लो, भाई वीर सिंह का पढ़ लो, भावें वह फरीदकोटीए का टीका, सब ने लिखा चेत दे महीने डाओ भाव जंगलों से अग लगती है। पर एक मैं पाकिस्तानी राइटर का टीका चकिया सी, नबी का, डॉक्टर अहमद का, उन्हें लिखिया डाओ का मतलब कि जिस वेले चेत दे महीने च फुल खिड़दे ने ना खेतां च, देखियो फुल एवें खिड़े होंदे है जिवें अगां दियां भांबड़ वल रहीआं ने। कमाल दी गल है, चेत डाओ।
पर कहिंदे उह फुल किन्ना चिर तक खिलेगा, एक दिन उन्हें मुरझा जाना है। आ याद रखियो आ शरीर, कहिंदे उन्हूं चेता करो, आ शरीर काम दा ग्रसिया, क्रोध दा ग्रसिया, रोभ दा, मोह दा, अहंकार दा, पर उन्हूं चेते करो जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय है, उन्हों चेता करो। ये शरीर तन खाक होने वाला है, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज धन जियो तेह को जग मैं, एक काम करो जी मुख ते हर चित मैं जुद्ध विचार है, फिर जिंदे जी मर जाओगे, तुसी जिंदे जी विकारा दे मन नू मार लोगे। ये है देह अनित ना नित रह, ये समा बहुता चिर नहीं है साडे को, बहुता चिर नहीं है, उन्हूं चेता करो। काम ना क्रोध ना रोग ना, काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना पै है, देह विहीन स्नेह सबो तन नेह बिरत समो अछय अछय अगह है, जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को देत है दुनिया दे बंदे। क्यों तू डरदा है रब दी किरति करन तो, क्यों तू भजदा है, काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद पदमापत है। सतगुरु जी सारियां दे विच मौजूद ने, ते मरण तो पहला की करिए, गुरु अमरदास महाराज जी जिहड़ा तुसी कर रहे हो, सद सद जी ने लिखिया गुरु अमरदास जी दे पड़पोते सतगुरु गुरु अमरदास जी ने बिफोर हिज फ्यू लास्ट डेज, गुरु अमरदास जी ने शरीर छड्डन तो पहला इस बाणी का उच्चारण किया, ते सद दे सिरलेख हेठ ये बाणी लिखी गई रामकली राग दे विच। सतगुर भाणै आपणे बह परिवार सदाया, सारे परिवार नूं सतगुरु जी गुरु अमरदास जी ने इकट्ठा किया, ते उत्थे की किया कहिंदे मैं पिछे, कहिंदे मेरे पिछे किसी ने रोना नहीं है, कहिंदे कोई भी सतगुर भाणै आपणे बह परिवार सदाया, सारा परिवार बिठाया उत्थे बिठा के क्या कहिंदे मेरे पिछे एक कम करियो, कहिंदे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, कहिंदे मेरे जान तो बाद कीर्तन करियो, फिर दूसरी गल कहिंदे एक गल होर करियो, कहिंदा कथा करियो गुरु अमरदास जी कहिंदे, क्योंकि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास, महला तीजा पढ़ो, मरता मरता जग मुआ मर पे ना जानिया कोई। गुरु अमरदास जी कहिंदे तुहानू ऐसी मरनी सिखा के जाणगे जावांगे, कहिंदे तन भावें मर जाए पर ये बंदगी ये नाम नाल रहेगा नाल जाएगा, ते जीउंदे जी तन दी मौत तो पहला ये विकारां वाला मन मर जाएगा। जपो जी ऐसी मरनी जो मरे बोहर ना मरना होए, मरना ते जगत डरै तन दी मौत तो सब डरदे ने, जीविया लोड़ै सब कोई गुर प्रसादी, जीवत मरै हुक्मै बूझै सोए नानक। जपो जी नानक ऐसी मरनी जो मरे, जपो ऐसी मरनी तां सद जीवन होए हमेशा जीवन, कद तक कुंजा चेत डाओ, ते अगे कहिंदे सावण बिजलियां, सावण दे महीने च बिजलियां चमकदियां ने, अगे कहिंदे सी आले सोहंदियां बह पिर बहड़ियां, कहिंदे सियाल दे महीने च पत्नियां घर उडीकदियां ने, पति आएगा पति आउंदा है पत्नी उहदी गल च बाहां पाउंदियां ने, पर किन्ना चिर पति घर रुकेगा, उन्हें वापस सौदागर ने मुड़ के जाना है, ये शरीर रूपति आत्मा नाल किन्ना चिर रहेगा। ते इत्थे कहिंदे बाबा शेख फरीद जी जिमी पुछे असमान, कहिंदे जिमी असमान नू पुछदी है खेवट किन गए, कहिंदे वड्डे वड्डे सदाउण वाले किथे चले गए, ते जिमी कहिंदी है मेरे अंदर मिट्टी खाक होके गोरां दे अंदर दबे पए है जिहड़े अपने आप नू वड्डे सदाउंदे सी। सतगुरु जी यही यही अज देखो अज असी जुड़े हाँ ना, मौत ते बोलना बड़ा सुख है, पर जिस दिन ये अपने घर वापरदा है ना सच्चाई ये है, उस दिन एहसास होंदा है कि मौत किहो जी डरावनी है। पर गुरु पातशाह जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी विचों कबीर साहब कहिंदे है कि मैं ऐसा आनंद वाला मौत तुहानू दे के सच दसांगा, क्योंकि कबीर मरता मरता जग मुआ मर पैना जानिया कोई, किसी ने जाणिया ही नहीं मरना की है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की बड़ी बख्शिश है, परिवार बहुत जुड़िया, पर मैं बेनती करांगा जी जे अज भी असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी तो
गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के अमृत तो मुनकर हो गए ना, फिर सतगुर सच्ची दरगाह दे विच साढ़े मत्थे तो निशान हट जाएगा, फिर जमा का डन सहना पेगा, साढ़ा बीज नाश ना हो। असी सतगुर जी के सिख कहाउण वाले बनीए, सतगुर जी विछड़ी रूह नूं अपने चरणा च निवास बख्शन। सारिया ने जाना है, बस साढ़ा एक मकसद ये सी कि जाना तो असी भी है, पर यह बहाना है किसी के विछोड़े का कि सतगुरु जी के पासों सीख लईए कि इस शरीर की मौत तो पहला विकारा वाले मन में किवें मारीे। सतगुरु जी बख्शिश करन, समा समाप्त है जी, मैं दो चार मिनट वध लै लेने। सारे परिवार के नाल स्नेह है जी, सतगुरु जी मेहर करन, परिवार को भाणा मिठा करके मनण की दात बख्शन, विछड़ी हुई आत्मा नूं अपने चरणा च निवास बख्शन। क्योंकि जाणिया मैं बड़े लंबे समय तो चिरंकाल उन्हां नूं डाढ़ा रोग चिंबड़िया सी शरीर तो, पर परिवार वाले आखते ने बड़ी चढ़दी कला च उन्होंने 8-9 साल बतीत किए। तो मैनू एक बाणी का बचन याद आया, अगाह को तराग पिछा फिर ना मोडड़ा, नानक सिज एवेहा वार, बहुड़ ना हुई जन्मड़ा। इस जीवन नू चढ़दी कला दे नाल बतीत करिए, निराशता नू खत्म करिए, सतगुरु जी दे शब्द का चेता करिए, भुलां चुकां दी खिमा गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।